पंकज जी, क्या वाहियात हरकत की है तुमने? अरे जस्ट चिल, अभी तो बस तुम्हें भेजी है। क्यों कर रहे हो ऐसा? What do you want? Are you willing to do what I want? Listen, these are not my pictures. I know these are morphed. Doesn't matter. एक बार इंटरनेट पे चल के फिर पता चलेगा। तुम्हें क्या मिलेगा ऐसा करके? तुम्हें क्या मिला था मुझसे ब्रेकअप करके? Just because I broke up with you, तुम ऐसा करोगे? यार, तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं भेजी मैंने पिक्चर्स। तो आखिर चाहते क्या हो तुम? Are you willing to come over to my place tonight? What? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कभी आई नहीं पहले मेरे घर पे। तुम इतने घटिया हो ये मुझे आज पता चला। आर्गुमेंट करने से अच्छा है दिमाग से काम लो, वरना मुझे एक मिनट नहीं लगेगा ये फोटो वायरल करने में। प्लीज पंकज, आई बेग ऑफ यू, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आई डोंट केयर। तुम्हारे पास देखो 2 दिन है, सोच लो। हेलो, रिया क्या बात है? हाँ, तू नाश्ता करने नहीं आ रही? मम्मा, वो आज भूख नहीं है मुझे। तबीयत ठीक है तेरी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, तबीयत ठीक है। तो कोई और बात तो नहीं? नहीं तो कोई बात नहीं है मम्मा, कोई बात नहीं है। आकृति, तो क्या सोचा है अब? क्या करेगी? कुछ बोलेगी? यार, I'm just thinking कि अगर उसने ये फोटोज कहीं अपलोड कर दी तो क्या होगा? मैंने तो तुझे पहले ही बोला था ये लड़का बहुत टॉक्सिक है, पर तुझे तो किसी की बात सुननी नहीं होती। आकृति, मुझे लेक्चर मत दे यार, प्लीज। अच्छा ये बता, तूने घर में किसी को बताया अभी तक? क्या बोलूंगी मम्मी को? आर यू विलिंग टू कम ओवर टू माई प्लेस टुनाइट? तुम्हारे पास देखो 2 दिन है, सोच लो। रिया बिना बस। हेलो, हेलो, मम्मा। क्या ये सब? मम्मा वो कब से चल रहा है ये? मम्मा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों रिया? तो मैं आपको क्या बताती मम्मा, और मुझे लगा कि आप मुझे ही गलत समझोगे, और देखा जाए तो शायद गलती भी मेरी ही है। बिल्कुल तेरी गलती है। तेरी गलती ये है कि तू इस लड़के के सामने झुक गई। क्यों? तो मैं और क्या करती? ये फोटोज मेरी नहीं है, पर इस बात पे यकीन कौन करेगा? सब तो उंगली मुझ पे ही उठाएंगे ना। किसने कहा? किसने कहा ये? देख रिया,
बेटा तेरी तो यही गलती है कि तू इस गलत लड़के से दोस्ती कर बैठी, लेकिन उसका कोई हक नहीं बनता कि वो तेरी जिंदगी बर्बाद करे। ओके चल बैठ। देख जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो डांस सीखने जाया करती थी। वहां पर मैंने नोटिस किया कि एक लड़का बार बार हर रोज मेरा पीछा करता है। कई बार मैंने कोशिश की कि तेरे नाना जी को या मामा को बता दूं, पर मैं डर गई, नहीं बता पाई। पता है उन दिनों इस तरह की कोई भी चीज होती थी ना तो लोग लड़की को ही दोषी मानते थे, इसलिए मैंने नहीं बताया। पर वो तो गुजरा हुआ जमाना है, गुजर गया। तू तो आज के जमाने की लड़की है, अच्छा बुरा सही गलत सबकी समझ है तुझे, और तुझे हमने समझाया भी है, तो तू क्यों घबरा रही है? देख अगर हमने इस लड़के को सबक नहीं सिखाया तो पता नहीं कितनी और लड़कियों को ब्लैकमेल करेगा, और ना जाने कितनों को कर चुका है। पर मामा अगर उसने ये फोटोज कहीं अपलोड कर दी तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, तुझे नहीं। चल उठ, चल मेरे साथ, कम ऑन, गेट अप। There are so many such crimes happening all around us, but most of us are scared to report. If you are a victim of cyber blackmail, you must report it to the local police. You can also report it anonymously. Therefore, we must take a stand.